नेहा एक खुशमिजाज और सपनों से भरी युवती अपने सपनों का राजकुमार रोहन से शादी करती है। वह अपने ससुराल में प्यार और सम्मान की उम्मीद लेकर जाती है, लेकिन नेहा का ससुराल उसके लिए एक बुरा सपना बन जाता है। उसके सास ससुर बहुत क्रूर होते हैं और वे हमेशा नेहा के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। वे रोहन को नेहा के खिलाफ भड़काते हैं और हर छोटी बड़ी बात पर नेहा को दोषी ठहराते हैं। नेहा ने अपने पति और ससुराल को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने सास ससुर की सेवा की, घर के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी और रोहन को खुश रखने की हर कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार जाती। नेहा का दिल टूटने लगा, वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगी। उसने अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी समस्या का हल नहीं निकाल पाया। आखिरकार नेहा ने यह मान लिया कि उसकी शादी अब बच नहीं सकती। एक दिन नेहा ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी। उसने आत्महत्या करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह आत्महत्या करने जा रही थी, उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, उसे हार कर छोड़ना नहीं चाहिए। अगर एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा दरवाजा जरूर खुलता है। नेहा ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और ठान लिया कि वह इस संघर्ष को छोड़कर अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करेगी। उसने रोहन से तलाक लेने का निर्णय लिया और अपने माता पिता के पास लौट आई। नेहा ने अपनी शिक्षा और हुनर पर ध्यान देना शुरू किया और अपने लिए एक नई पहचान बनाई। नेहा ने साबित कर दिया कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर हम हार न माने और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़े तो सफलता जरूर मिलती है। उसने अपने दर्द को ताकत में बदल दिया और खुद को एक नई दिशा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी उम्मीदें और आत्मसम्मान नहीं छोड़ना चाहिए। कठिनाइयों का सामना करने का साहस हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है।